कर्नाटक में आज तड़के औरंगाबाद हैदराबाद पैसेंजर ट्रेन पटरी से उतर गई। हालांकि राहत की बात यह रही कि इस हादसे में किसी की मौत की खबर या फिर घायल होने की सूचना नहीं मिली है। भारतीय रेल के प्रवक्ता अनिल सक्सेना का कहना है कि सभी यात्री सुरक्षित बताए जा रहे हैं। सिकंदराबाद विकाराबाद परली नांदेड़ सेक्शन के बीच में कालगोपुर स्टेशन के पास 57550 औरंगाबाद हैदराबाद पैसेंजर एक्सप्रेस के चार एक इंजन और चार डिब्बे के डरेलमेंट की खबर है। इस डरेलमेंट की वजह से कोई कैजुअलिटीज या डेथ नहीं है, कोई इंजुरीज नहीं है, सभी यात्री सुरक्षित हैं। हमने इसीलिए अपनी मेडिकल ट्रेन भी जो रवाना की थी उसको रास्ते से ही कैंसिल करके लौटा दिया क्योंकि कोई कैजुअलिटी इंजरीज नहीं थी। जो पैसेंजर्स थे इस अफेक्टेड ट्रेन के, बाकी कोचेज में उनको बिठा के कालकोपुर ले आए थे और अब वो अपने मंजिल की तरफ रवाना हो गए। सूबे की योगी सरकार दिनों दिन बड़े फैसले ले रही है। वीआईपी कल्चर को खत्म करने के लिए सीएम के आदेश के बाद आज से सूबे में लाल बत्ती और नीली बत्ती का प्रयोग बंद कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि बीते दिन सीएम योगी ने बड़ा फैसला लेते हुए आदेश दिया था कि आज से सभी अधिकारी और नेता लाल और नीली बत्ती का इस्तेमाल नहीं करेंगे। सीएम के आदेश के बाद यूपी के कई मंत्रियों ने फैसले पर अमल करते हुए अपने वाहनों से लाल बत्ती हटा दी है। दिल्ली में होने वाले एमसीडी चुनाव को लेकर आज प्रचार थम जाएगा। चुनाव प्रचार के आखिरी दौर में सभी राजनीतिक पार्टियों ने पूरी ताकत झोंक दी है। बीते दिन बीजेपी ने अपने स्टार प्रचारकों को प्रचार अभियान में उतारा। आपको बता दें कि 272 वार्डों के लिए 23 अप्रैल को चुनाव होने हैं, जिसको लेकर चुनाव आयोग की तरफ से लगभग सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। वहीं एमसीडी चुनाव की मतगणना 26 अप्रैल को होगी। योगी सरकार ने अखिलेश सरकार के चर्चित आगरा लखनऊ एक्सप्रेस की जांच के आदेश दिए हैं। यूपी सरकार ने इस बारे में 10 जिलों के डीएम को पत्र भेजा है। सभी जिलाधिकारियों को आदेश दिया गया है कि वो पिछले 18 महीने में हुए जमीन खरीद के हर मामले की जांच करें। इस जांच के दायरे में एक्सप्रेस वे किनारे के करीब 230 गांव आएंगे। आरोप ये भी है कि कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए उनकी कृषि वाली जमीन को रिहायशी जमीन की श्रेणी में दिखाया गया ताकि उन्हें सरकार से ज्यादा मुआवजा मिल सके। लखनऊ आगरा एक्सप्रेस यानी चुनाव से पहले सुर्खियों में छाया हुआ था, जहां अखिलेश सरकार इसे अपनी बड़ी उपलब्धि बता रही थी। वहीं विपक्ष से घोटाले का आरोप लगा रहा है। अखिलेश ने विधानसभा चुनावों के दौरान चुनाव प्रचार के वक्त कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी भी अगर इस एक्सप्रेस वे पर चलेंगे तो वो समाजवादी पार्टी को ही वोट देंगे, लेकिन अब योगी सरकार के इस फैसले से अखिलेश सरकार पर सवाल खड़े होने लगे हैं। गुरुवार को शिया वक्फ बोर्ड के निरीक्षण को पहुंचे प्रदेश के मुस्लिम वक्फ एवं हज राज्य मंत्री मोहसिन रजा गुरुवार को कार्यालय के मुख्य गेट पर ताला देखकर भड़क गए। नाराज मंत्री ने काफी देर तक दफ्तर के बाहर रखी बेंच पर बैठकर कर्मचारियों का इंतजार किया, लेकिन कोई नहीं आया। इससे झल्लाए मंत्री सुन्नी वक्फ बोर्ड कार्यालय पहुंचे तो फाइल्स के ढेर देख उनका पारा सातवें आसमान पर पहुंच गया। उन्हें मौके से कुछ अधजली फाइलें भी मिली। उन्होंने मौके पर ही पुलिस बुलाकर फाइलों को सील करवाकर एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए। कबाड़ हो चुकी कार में अजली और फटी फाइलों के मिलने पर उन्होंने घोटाले की आशंका भी जताई। राज्यमंत्री माल एवेन्यू स्थित सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड दफ्तर पहुंचे। यहां फाइलों के रखरखाव का तरीका देखकर उन्होंने कर्मचारियों को फटकार लगाई। पहले भी मैंने विजिट किया था तो यहां पर अनियमितताएं पाई गई थी और आज जब सूचना मिली मेरे दफ्तर में कि यहां दफ्तर ही बंद है, तो जब मुझे दफ्तर बंद होने की सूचना मिली तो मुझे लगा कि लोग बाहर से आते हैं, दूसरे शहरों से आते हैं, गाजीपुर बनारस और मेरठ गाजियाबाद से आते हैं, इतनी दूर दूर से लोग आते हैं तो उनकी समस्या यहाँ कोई सुन नहीं रहा है। वक्त बदला, सत्ता बदली, निजाम बदला और इसके साथ ही अधिकारियों के सुर भी बदल गए। जो अधिकारी कल तक समाजवादियों की चौखट पर जाने से कतराते थे, आज निजाम बदलते ही वही अधिकारी चौखट पर चढ़ गए। उत्तर प्रदेश में सत्ता बदलते ही योगी राज की बिजली विभाग के अधिकारियों ने बीते दिन एसपी संरक्षण मुलायम सिंह यादव के घर जाकर मीटर चेक किया। बिजली विभाग की जांच में बड़ा खुलासा हुआ।
समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव के घर बिजली चोरी का खुलासा हुआ है। बिजली विभाग के अधिकारियों ने जांच में पाया कि मुलायम के घर खर्च से आठ गुना कम लोड का मीटर लगा था, जिसके बाद बिजली विभाग ने 5 की जगह 40 किलोवाट का मीटर लगाया। इसके साथ ही मुलायम सिंह बिजली विभाग के 4 लाख रुपए के बकायेदार भी बन गए। अधिकार तो पहले से बढ़ गया था, वो तो पहले से बढ़ 40 किलोवाट हो चुका है। मीटर की उपलब्धता नहीं थी पहले से, मीटर अब उपलब्ध हुआ। आवास विकास ने लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष और लखनऊ के पूर्व जिलाधिकारी सत्येंद्र सिंह यादव को एक और कारनामे का खुलासा हुआ है। तबादला हो जाने के बाद भी उन्होंने लखनऊ सुल्तानपुर रोड पर बनने वाले टाउनशिप में 200 करोड़ की जमीन गलत तरीके से स्वीकृत कर दी, जबकि उस जमीन के मालिकाना हक को लेकर झगड़ा चल रहा है। इस डील में कई बड़ी कंपनियों के साथ मिलीभगत की गई है। योगी सरकार के आते ही उनके खिलाफ विभागीय जांच शुरू कर दी गई है। ताजा जानकारी के मुताबिक राजधानी के गोमती नगर में एक झटके में 44 प्लांटों के लैंड यूसेज बदला गया है। लैंड यूसेज बदलवाने वालों में नेता और अफसर भी शामिल हैं। लैंड यूसेज बदलवाने से 44 प्लांटों की कीमत एक झटके में 2.5 गुना बढ़ गई है। इन 44 प्लॉटों में एलडीए वीसी सत्येंद्र सिंह का भी प्लॉट शामिल है। एनआरएचएम घोटाला आरोपी और यूपी के पूर्व कैबिनेट मंत्री बाबू सिंह कुशवाहा पर आय से अधिक संपत्ति जुटाने के मामले में 2 FIR दर्ज की गई हैं। यूपी विजिलेंस ने पूर्व मंत्री, उनकी पत्नी शिवकन्या कुशवाहा समेत कुल 9 लोगों के खिलाफ बांदा के अतरा थाने में मामला दर्ज कराया है। पूर्व मंत्री पर आरोप है कि उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग कर गलत तरीके से संपत्ति बनाई और उनका फायदा अपने रिश्तेदारों तक पहुंचाया। इसके अलावा पूर्व मंत्री पर अपना असली नाम छुपाकर 2 जगह से वोटर कार्ड बनवाने का भी मामला पत्नी समेत दर्ज किया गया है। बाबू सिंह कुशवाहा और 9 लोगों के खिलाफ जो है पद का दुरुपयोग करके अवैध स्रोत से धनराशि अर्जित करने के संबंध में अभियोग पंजीकृत किया गया है और एक 419 का अभियोग जनप्रतिनिधि अधिनियम 1950 का अभियोग बाबू सिंह कुशवाहा और उनकी पत्नी शिवकन्या देवी के विरुद्ध भी पंजीकृत किया गया है और ये अभियोग उत्तर प्रदेश सतर्कता अधिष्ठान झांसी के निरीक्षक श्री राम निवास सिंह के द्वारा दर्ज कराया गया है। महिला सुरक्षा को लेकर शुरू हुए एंटी रोमियो सेल का असर बांदा में अब जोर शोर से दिखने को मिल रहा है। बांदा शहर के मुख्य जगहों और होटल्स में महिला पुलिस कर्मियों ने अभियान चलाया और इसमें सड़कों पर आवारागर्दी करने वाले शोधों और मंचलों को पकड़ा। सड़क पर बिना वजह खड़े मिले लड़के लड़कियों से भी पूछताछ हुई। कार्रवाई के दौरान 11 मंचलों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। हालांकि इस अभियान में पकड़े गए लड़कों को चेतावनी देकर छोड़ दिया गया। होटल, चौराहे, भीड़भाड़ वाले बाजार, कोचिंग, गर्ल्स स्कूल, कॉलेज वाली जगहों में पुलिस खासा ध्यान दे रही है। आगरा के थाना न्यू क्षेत्र के मनोहरपुर में ठेका देसी शराब पर महिलाओं और बच्चों ने जमकर हंगामा किया। स्थानीय लोगों का कहना है कि जहां पर ठेका खोला जा रहा है वहां से 100 कदम की दूरी पर एक CBSE बोर्ड कॉलेज और मंदिर बना हुआ है जहां बच्चों और महिलाओं का आना जाना रहता है। चश्मदीद का कहना है कि ये पूरा बवाल BD अग्रवाल नाम के शख्स ने करवाया है जो कि दबंग प्रॉपर्टी डीलर है। बलिया पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने सियालदा एक्सप्रेस से 18 पिस्टल बरामद किए हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है कि आखिर ट्रेन में इस बैग को लेकर कौन आया, साथ ही क्या किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की साजिश तो नहीं रची जा रही थी। तमाम पहलुओं पर पुलिस जांच में जुटी है। पिस्टल अर्धनिर्मित बरामद हुए हैं जिसका की अभियोग दर्ज कर लिया गया है और इसकी विवेचना की जा रही है। इसमें से जो पेपर के बैग वगैरह मिले हैं उन सबको विवेचना के अंतर्गत ले लिया गया। मुजफ्फरनगर पुलिस ने बाबा रामदेव के पतंजलि योगपीठ के लाखों रुपए के प्रोजेक्ट बरामद कर एक आरोपी को हिरासत में लिया। आपको बता दें कि कुछ महीने पहले हरिद्वार के बाबा रामदेव के पतंजलि योगपीठ से लगभग 40 लाख रुपए का माल असम के लिए भेजा गया था, लेकिन बीच रास्ते में माल गायब हो गया था। तभी से उत्तराखंड पुलिस और उत्तर प्रदेश पुलिस मामले की जांच कर रही थी। इस कड़ी में कल मुजफ्फरनगर पुलिस को मुखबिर की सूचना पर जानकारी मिली कि बाबा रामदेव पतंजलि योगपीठ का लूटा गया माल मुजफ्फरनगर के शख्स के गोदाम पर रखा गया है, जिस पर मुजफ्फरनगर शहर कोतवाली पुलिस ने छापेमारी कर लगभग 40 लाख रुपए का माल बरामद कर एक आरोपी को हिरासत में लिया। पदाधिकारी
पतंजलि संस्थान का जो माल है वो एक व्यक्ति के यहाँ किसी गोदाम में कुछ रखा हुआ है, तो इस सूचना पर हमने तलाश किया और ये माल बरामद हुआ है। लगभग 30 से 35 लाख इस माल की कीमत है। इसमें एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया जिसके गोदाम से घर से माल बरामद हुआ है। माल को इसको देखा जा रहा है कहाँ से इसको ये मिस हुआ है और क्या है, इस संबंध में पूरी जाँच की जा रही है। उत्तराखंड में ऊर्जा विभाग पीएम नरेंद्र मोदी का सपना साकार करने में लगा है। उत्तराखंड में 181.4 मेगावाट सौर ऊर्जा के नए प्लांट ने काम शुरू कर दिया है। हरिद्वार में 101.4 मेगावाट सोलर ऊर्जा के लिए सोलर प्लांट लगाए गए हैं, जिसका उद्घाटन आज सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत करेंगे। भगवानपुर के पास बलसवागाज बिंदु खड़क में सौर ऊर्जा की इस परियोजना का उद्घाटन को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आपको बता दें कि उत्तराखंड को ऊर्जा प्रदेश कहा जाता है, लेकिन कई बार पनबिजली परियोजना गाद सिल्ट जमा होने की वजह से बंद हो जाती है। जंगलों में लगने वाली आग से निपटना एक बड़ी चुनौती है। पिछले साल जिस कदर उत्तराखंड के जंगल जले, उससे राज्य की वन संपत्ति को भी बड़ा नुकसान हुआ है, साथ ही वन्य जीवों के लिए भी बड़ा संकट खड़ा हो गया। जंगलों में लगने वाली आग पर काबू कैसे पाया जाए, इसको देखते हुए एनडीएमए ने समूचे उत्तराखंड में कल सभी सरकारी विभागों को जोड़ते हुए एक मॉक ड्रिल कराई। सुल्तान नगरी डिपो में यहाँ पर आग लगने की सूचना हमको दी गई है मॉक ड्रिल के आधार पर, तो हम उस पर कंट्रोल कर रहे हैं। इन पर हमने जो है एनडीआरएफ है, सीआरपीएफ है और हमारे जो रेगुलर फायर वॉचर्स हैं और इस डिपो में जो काम करने वाले जो कर्मचारी हैं और इस जो सब डिवीजन के बहुत सारे जो फायर वॉचर्स हैं उनको लेकर के हम इस एरिया में आग बुझा रहे हैं। इसमें फायर ब्रिगेड को भी हमने यहाँ पर बुलवाया है और यहाँ का जो हाइड्रेंट सिस्टम है उसको भी एक्टिवेट करवा के हमने यहाँ पर आग बुझाने का मॉक ड्रिल किया। 6 राज्यों के बड़े अफसरों को रोडमैप के साथ सुप्रीम कोर्ट ने तलब किया है। यूपी, बिहार, झारखंड, कर्नाटक, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के अफसरों को आज सुप्रीम कोर्ट में पेश होना होगा। जस्टिस खेहर के मुताबिक 2013 से लंबित इस मामले में राज्यों की सरकारों की तरफ से किसी तरह की कोई पहल नहीं की गई है, जिसके बाद अब कोर्ट इस मामले पर निगरानी के साथ भर्तियों पर नजर रखेगा। रिपोर्ट के मुताबिक यूपी में 1,51,679, बिहार में 34,000, झारखंड में 26,303, कर्नाटक में 24,399, तमिलनाडु में 19,803 और बंगाल में करीब 37,325 रिक्तियों की निगरानी अब कोर्ट द्वारा की जाएगी। आपको बता दें कि पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों के रवैये पर नाराजगी जताई। उस वक्त जस्टिस खेहर ने कहा था कि कानून व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए पुलिस के सभी पदों पर नियुक्तियां जरूरी हैं। सभी राज्यों के होम सेक्रेटरी 3 हफ्ते में भीतर हलफनामा दाखिल कर कोर्ट को बताएं कि पुलिस कर्मियों की नियुक्ति के लिए वो क्या कर रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके किसी भी राज्य की सरकार ने इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया। एनजीटी में आज गंगा एक्शन प्लान को अमल को लेकर एनजीटी में सुनवाई जारी रहेगी। गुरुवार को सुनवाई के दौरान तमाम विभागों ने बताया कि एनएन रॉय सेंट्रल वाटर कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक नवंबर से मार्च तक गंगा में 20%, अक्टूबर से अप्रैल तक 25% और मई से सितंबर तक 30% बहाव रहना चाहिए। सभी विभागों ने माना कि गंगा एक्शन प्लान के पहले चरण में हरिद्वार से कानपुर तक भूजल के अत्यधिक दोहन से बुरा असर पड़ा है और इस पर रोक की जरूरत है। बेंच ने आज उत्तर प्रदेश जल निगम, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सिंचाई विभाग को आदेश दिया है कि 3 हफ्ते में सीवर लाइनें साफ की जाएं और रिपोर्ट पेश की जाए। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से पेश किए गए अधिवक्ता अधिनियम संशोधन बिल 2017 के विरोध में अधिवक्ता का विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है, जिसके चलते जिला अधिवक्ता संघ के बैनर तले आज अधिवक्ता कार्य का बहिष्कार करेंगे। इस दौरान वकील भारी संख्या में एकत्रित होकर न्यायालय परिसर के बाहर बिल की प्रतियां जलाकर विरोध जताएंगे। अधिवक्ता आज राष्ट्रपति और कानून मंत्री के नाम एसडीएम को एक ज्ञापन सौंपेंगे। अधिवक्ता संघ के मुताबिक अगर 1 मई तक उनकी मांगे पूरी ना की गई तो 2 मई को पटियाला कोर्ट से संसद तक घेराव कर जेल भरो आंदोलन किया जाएगा। अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष राकेश दीवान ने जानकारी देते हुए बताया।
16 अप्रैल को हुई प्रदेश अधिवक्ता संघ की बैठक में प्रस्तावित अधिवक्ता संशोधन विधेयक 2017 को काला कानून बताया गया था। इस दौरान अधिवक्ताओं ने इस बिल पर घंटों चर्चा की और कहा कि ये बिल अधिवक्ताओं के हितों के खिलाफ है। आपको बता दें कि वर्तमान में अधिवक्ता अधिनियम 1961 प्रभावशाली है, जिस पर देश के किसी भी अधिवक्ता को कोई आपत्ति नहीं है। प्रस्तावित बिल में अधिवक्ताओं के संगठन में डॉक्टर, सीए, डायट जज, प्रशासनिक अधिकारी, इंजीनियर, समाजसेवी के नाम पर मनोनीत करने का जिक्र है। ये सब अधिवक्ता समुदाय के सामूहिक हितों के विपरीत हैं। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले की पिपलिया मंडी की एक छोटी सी बस्ती में भावना मेघवाल नाम की 14 साल की एक दलित हिंदू लड़की बचपन से मदरसे में जा रही है। यहाँ की छोटी सी मुस्लिम बस्ती में रहने वाली भावना को कुरान शरीफ की याद है। वहीं दूसरी ओर भावना बस्ती के सभी मुस्लिम बच्चों से उर्दू के मामले में भी तेज है और हर साल तकरीर और मिलाद शरीफ में इनाम भी जीत कर लाती है। मुस्लिम बस्ती में इस हिंदू बेटी को सभी दिलों जान से चाहते हैं और इसकी तारीफ करते नहीं थकते। एक दलित हिंदू परिवार की ये बेटी आज मुस्लिम बस्ती की जान और पहचान बन रह गई है। फिर अंजुमन, सुबह अंजुमन जाती हूँ, अंजुमन से आकर स्कूल जाती हूँ, स्कूल से आके अंजुमन जाती हूँ, फिर जोहर की नमाज अदा करती हूँ, फिर अंजुमन से आके फिर असर के अजान अदा करती हूँ, फिर गृह कार्य करती हूँ, थोड़ी देर सहेलियों के साथ खेलती हूँ। उर्दू मेरे को कलमा शरीफ वगैरह ये सब आते हैं, उर्दू के जो कुछ भी आते हैं वो सब आती है। महाराष्ट्र के ठाणे से सटे मुंब्रा कौसा इलाके में रशीद कंपाउंडर का मंजिल नामक बिल्डिंग के कमरा नंबर 302 से एटीएस के 3 लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया। पकड़े गए आरोपी होलसेल और रिटेल में अंडा और पेप्सी सप्लाई करते थे। घटना की खबर लगते ही मुंब्रा पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और आगे की जांच में जुट गई। हमारे पास बहुत ज्यादा डिटेल आई नहीं है, कुछ डिटेल्स हमको मिले हैं लेकिन अभी शेयर करने की स्टेज पे नहीं है। बेहतर होगा आप एटीएस से अगर ये पूछा जाए। हमारी भी वॉच चल रही है, हमारे भी ऑपरेशन चलते हैं और वहाँ की पुलिस ने भी जब ऑपरेशन किया हमारी मदद अवश्य उन लोगों ने ली थी, कुछ सफलता मिली है लेकिन ज्यादा डिटेल आप उन लोगों से ले सकते हैं। सिविल लाइंस के एमएलए हॉस्टल में गैंगरेप का मामला सामने आया है। आरोप है कि 2 लोगों ने 17 साल की लड़की को हॉस्टल में 4 दिन तक बंधक बनाए रखा और इसके साथ रेप करते रहे। विक्टिम के परिवार वालों की शिकायत के बाद पुलिस ने उन्हें अरेस्ट किया। बाद में कोर्ट ने 24 अप्रैल तक पुलिस रिमांड पर भेज दिया। पुलिस की छानबीन में पता चला है कि आरोपी जान पहचान वाले थे। विक्टिम एक आरोपी की शॉप पर काम करती थी। इस मामले में 18 अप्रैल को पुलिस ने रजतेश लाल मद्रे और मनोज विनोद भगत को अरेस्ट किया है। दोनों आरोपियों को अदालत ने 24 अप्रैल तक पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। आरोपी की शॉप पर काम करती थी विक्टिम। पुलिस को शक है कि रेप के से पहले लड़की को शराब पिलाई गई। विक्टिम ने आरोप लगाया कि उसे जबरन विधायक हॉस्टल की पहली विंग की 3री फ्लोर पर कमरा नंबर 320 में ले गए। वहां उसे 4 दिनों तक रखा गया और कई बार गैंगरेप किया। हमारे पास एक किडनैपिंग का केस आया था, उसके हिसाब से हमने किडनैपिंग दाखिल की थी और किडनैपिंग के बाद हम इन्वेस्टिगेशन शुरू किए थे। इन्वेस्टिगेशन शुरू करने के बाद हमने सर्च किया तो उसके बाद हमें वो लड़की मिल गई थी। तो मिलने के बाद हमने उसको पूछताछ की और उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया। फिर हमें पता चला कि वो किडनैपिंग के साथ साथ किडनैपिंग करके उसका रेप किया गया। सूरत में रहने वाले हीरा व्यापारी लक्ष्मीदास बेकारिया ने एक अनोखा कारनामा किया है। लक्ष्मीदास ने अपने कारीगरों से खुश होकर 125 डायमंड वर्कर्स को गिफ्ट में स्कूटी भेंट की। लक्ष्मीदास बेकारिया ने 2010 में हीरे तराशने की फैक्ट्री शुरू की थी और जब से उन्होंने फैक्ट्री शुरू की तब से उनके वर्कर्स ने मालिक की तरक्की के लिए दिन रात कड़ी मेहनत की। लिहाजा वर्कर्स की मेहनत से खुश होकर उन्होंने अपने कारीगरों को ये तोहफा दिया।